2019 ऑस्ट्रेलिया का पार्किस मेरियानगो टेलीस्कोप कई महीनों से हमारे सबसे करीबी स्टार अल्फा सेंटोरी के पीछे पड़े हुए थे। वो बेसिकली ये तलाश करना चाह रहे थे कि क्या वाकई में ये स्टार अपने अराउंड हैबिटेबल जोन में घूम रहे रॉकी प्लैनेट प्रॉक्सिमा बी पर लाइफ सस्टेन कर सकती है। लेकिन इस रिसर्च के दौरान सैटी के एक मेंबर ने बहुत ही स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट किए। वो स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि जब उन्होंने ये उस ऑब्जर्वेशन को अपने सीनियर से शेयर किया तो उन्होंने ये देखा कि वो सिग्नल्स यूनिवर्स में मौजूद किसी भी दूसरे नेशनल सिग्नल जैसे नहीं है। इनफैक्ट उस सिग्नल का स्ट्रक्चर हमारी वजह से बनने वाले आर्टिफिशियल सिग्नल्स के जैसा था, यानी कि वो रेडियो सिग्नल 982 मेगाहर्ट्ज के नैनोबैंड्स की रेंज में पड़ रहा था, जो यूजुअली सिर्फ आर्टिफिशियल सैटेलाइट और स्पेस शिप ही यूज करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें हमारे ही सिग्नल्स वापस पलट के मिल रहे हैं, तो उन्होंने उन सिग्नल्स को दोबारा से स्टडी किया। उस वेरिफिकेशन के बाद ये कंफर्म हो गया कि ये सिग्नल हमारी जमीन से जुड़े हैं ही नहीं, ये तो कहीं दूर से स्पेस से आ रहे थे, वो भी रेगुलर फ्लक्चुएशन के साथ। मतलब इस सिग्नल का सोर्स एक पीरियोडिक मोशन में ही है। जैसा कि हमें पता है कि सैटेलाइट अर्थ के अराउंड एक पीरियोडिक मोशन फॉलो करती है, तो इससे साइंटिस्ट को लगा कि शायद किसी लाइफ की तरफ से ये सिग्नल्स आए हों, और इसीलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1 या फिर BLC 1 रख दिया। लेकिन इस सब के अलावा भी एक और बात थी जिसकी वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी में पूरी की पूरी हलचल मची हुई थी। वो ये है कि ये सिग्नल प्रॉक्सिमा बी के जनरल डायरेक्शन से आया था, तो अब इसे प्रॉक्सिमा बी से आया हुआ इसीलिए कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि यही वो प्लैनेट है जो जमीन से सबसे ज्यादा करीब भी है और जमीन जैसा एक्सोप्लैनेट भी है, और फिलहाल अपने रेड ड्वार्फ होस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में चक्कर काट रहा है। तो जब इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए टेलीस्कोप को प्रॉक्सिमा बी की डायरेक्शन से हटा दिया गया तो सरप्राइजिंगली वो सारे के सारे सिग्नल्स डिटेक्ट होना बंद हो गए। तो ये प्रूफ हो गया कि ये सिग्नल्स प्रॉक्सिमा सेंटोरी से ही आ रहे थे। तो जैसा कि हमने कहा कि जनरल डायरेक्शंस की ये सिग्नल्स उस पूरे अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में कहीं से भी जनरेट हो सकता है, तो फिर हम इतना कॉन्फिडेंटली ये कैसे कह सकते हैं कि ये सिग्नल प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी से ही आया है, क्योंकि ये स्टार सिस्टम का कुछ हिस्सा तो प्लैनेट के पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जमीन गोल है, हमें एक बार में कभी भी पूरा आसमान दिखाई नहीं देता। हमारे हॉरिजॉन के उस पार आसमान का बहुत ही बड़ा हिस्सा हमेशा हमसे छुपा रहता है, जस्ट लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों को साउदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों का आसमान नहीं दिखाई देता। लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिस्ट ये एस्टिमेट करते हैं कि ऐसा आर्टिफिशियल सिग्नल प्रॉक्सिमा बी सेंटोरी से ही हो सकता है, और उसको समझने के लिए हमें पहले अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो इस सिस्टम के बीचों बीच मौजूद है एक स्टार सिस्टम जिसमें हमारे सन जैसे दो और स्टार्स एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, और इस सिस्टम के अराउंड चक्कर लगा रहा है रेड ड्वार्फ स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो इस पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमा सेंटोरी के अराउंड ही एक्सोप्लैनेट डिटेक्ट हुए, और उनमें से भी सिर्फ एक ही प्लैनेट इस रेड ड्वार्फ के हैबिटेबल जोन में फॉल करता है। यानी कि हर चीज अब इसी तरफ इशारा करती है कि ये स्ट्रेंज सिग्नल्स प्रॉक्सिमा सेंटोरी के प्रॉक्सिमा बी प्लैनेट से ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो कि यूजुअली काफी अनस्टेबल होते हैं और सन से आ रहे एक्सरेज को भी रिसीव करते हैं, और वो भी जमीन से तकरीबन 500 टाइम ज्यादा एक्सरेज। मतलब ये है कि शायद हम प्रॉक्सिमा बी के हैबिटेबल को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दी रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने इन सब पॉइंट्स के अलावा एक और पॉइंट भी नोट डाउन किया। वो ये कि डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस रेंज में ऑब्जर्व हुए हैं वो मोस्टली सिर्फ सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट ही यूज करते हैं, और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि ये सिग्नल्स तकरीबन 30 आवर्स तक डिटेक्ट हुए थे, जो कि बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि यूजुअली ऐसी चीजें किसी टेलीस्कोप से देखने पर काफी तेजी से पास आउट हो जाती है। इनफैक्ट सैटी इंस्टीट्यूट के एक एस्ट्रोनॉमर ने भी यही कहा था कि हमारी गैलेक्सी के 300 मिलियन एक्सोप्लैनेट जो कि पॉसिबली हैबिटेबल हैं, उसमें से गैलेक्सी के सिर्फ एक ही कोने के दो नेबरिंग सोलर सिस्टम में एक जैसी टेक्नोलॉजी होना ये अपने आप में बहुत ही अजीब सी बात है। और वाकई में आखिर कैसे ऐसा हो सकता है कि हमारे सैटेलाइट्स और उनके सैटेलाइट्स एक ही फ्रिक्वेंसी बैंड रेंज पर काम करते हैं। लेकिन क्या पता, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट रिसेंटली लॉन्च जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने ज्यादा एडवांस डिटेक्टर्स की वजह से हमें इस मिशन में हेल्प कर सके,
लास्ट ईयर एक पेपर रिलीज हुआ था जिसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप और लुविर ऑब्जर्वेटरी की मदद से प्रोक्सिमा वी आर्टिफिशियल लाइफ डिटेक्ट करने की बात की गई। उनका ये कहना था कि क्योंकि प्रोक्सिमा वी अपने होस्ट स्टार से इतना क्लोजली ऑर्बिट करता है तो प्रोक्सिमा वी हमारी चांद की तरह टाइटली लॉक होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि एलियन सिविलाइजेशन प्लैनेट के डार्क साइड पर रह रही हो और वहां पर अंधेरे में देखने के लिए टॉर्च, एलईडी, ट्यूब लाइट्स वगैरह आर्टिफिशियल लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन नहीं, ब्रेक थ्रू से जुड़े हुए साइंटिस्ट इस बात से कन्विंस नहीं थे। जरा सोच के तो देखें, जो मखलूक समंदर में रहती है क्या उन्हें आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ती है? नहीं ना, वो वहीं पर ही अपनी खुद की लाइट यानी कि बायोलुमिनेंसिस में से डिटेक्ट करती है या फिर अपने बाकी के सेंसेस के दम पर सर्वाइव करते हैं। तो जो एलियन सिविलाइजेशन प्रोक्सिमा बी के डार्क साइड पर रहते हैं वो आखिर आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल क्यों करेंगे? और इसीलिए हमें आर्टिफिशियल लाइफ के बजाय प्रोक्सिमा बी के ओशन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बायोलुमिनेंसिस डिटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और यही वजह है कि ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव से जुड़े साइंटिस्ट ब्रेक थ्रू स्टार शॉट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसे वो ये पाएंगे कि प्रोक्सिमा बी हैबिटेबल है भी या नहीं। लेकिन तब तक के लिए ये BLC-1 सिग्नल थोड़ा सा डाउटफुल ही रहेगा। लेकिन क्या अभी भी हम ये कह सकते हैं कि एलियंस हैं? जी हाँ, ऐसा हो तो सकता है क्योंकि इन्हीं सिग्नल्स पर अभी भी रिसर्चेस तो चल रही है ना। तो अभी ये सिग्नल्स वाकई में उन्हीं की तरफ से आए हैं ये अभी भी डाउटफुल तो है, लेकिन रिवर्स में हमारी ही जैसी टेक्नोलॉजी यूज करने वाला कोई और लाइफ भी हो सकती है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर एलियन लाइफ दिखती कैसे होगी, क्योंकि हमने तो उनको बड़ा ही क्रीपी सा इमेजिन करके रखा हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर वो भी हमारी ही तरह दिखने में लगते हो, तो किस तरह पता चलेगा कि कौन इंसान है और कौन एलियंस?